ये तो पके हुए रसीले आमों की महक है। आम का बाग। वाह, ये आम तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आज से ये बाग तिकड़म सुर का हुआ। इस चिलचिलाती धूप में तुम जहाँ भी ले जा रहे हो हनु, वो जगह अगर अच्छी नहीं हुई ना, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिंता मत करो दोस्तों, वहाँ पहुँच कर तुम सबका दिल खुश हो जाएगा। ये तो रसीले आमों की महक है। ताजे पके हुए आम, मीठे मीठे आम। अब आंखें खोल कर भी देख लो दोस्तों कि मैं तुम्हें कहाँ ले आया हूँ। वाह हनु, तुमने तो सच में दिल खुश कर दिया। यहाँ तो आम ही आम है। तो सोचते क्या हो, टूट पड़ो। हाय रे मेरी कमर, किस दुष्ट ने तोड़ डाली। हाय, क्षमा करना काका जी, वो आम खाने के लिए हमने पेड़ को हिलाया तो आप गिर गए। ये गलती हमारी है, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम लोगों ने मुझे गिराया, मेरी कमर तोड़ दी। तिकड़म सुर ये सब सहन कर सकता है, लेकिन कोई मेरे रसीले आमों को खाने की सोचे ये सहन नहीं कर सकता। मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। तुम अपना आकार चाहे जितना बड़ा कर लो तिकड़म असुर, मगर ध्यान रखना, चबाने के लिए दांत भी चाहिए होते हैं। मेरे पास पूरे 32 हैं, देखो। 32। अब नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं अच्छों के साथ अच्छा हूँ और बुरों के साथ बुरा। हनुमान, अब नीचे से ऊपर लाते हुए जोर से मुक्का इसके मुंह पर मारकर इसके सारे दांत तोड़ दो। जैसा तुम कहो भोलू। रुक जाओ छोटे बालक, दो दांत तो तोड़ चुके हो, बाकी तो छोड़ दो। और इस बालक की मत सुनो, ये तो क्रूर है, पर तुम तो दयालु हो ना। तुमसे गलती हुई तो तुमने क्षमा मांगी, मुझसे गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हिसाब बराबर है, तुम्हें आम खाने है ना, तो बैठो यहाँ पर, आराम से बैठो, मैं अभी लाया। इतने आम आप सबके लिए बहुत हैं। अब मैं चलता हूँ, विदा रसीले आमो। रुकिए तिकड़म असुर काका, आप भी आम हमारे साथ खा सकते हैं। तुम सच में कितने प्यारे हो महाबली। बाल हनुमान।